बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जय कृष्ण शुक्ला और मेरे साथ है मेरे पार्टनर आयुष। तो भाई आज कहाँ चल रहे हैं हम लोग? तो भाई इस बार हम लोग प्रीतम नगर में, हाँ जो कि चौरसिया मार्केट के जस्ट सामने। अच्छा ये जो नया रेस्टोरेंट खुला है अर्जन फॉरेस्ट। अच्छा तो मतलब यहाँ की खासियत ये है कि ये एक तरीके का डाइनिंग भी है, अपना रूफ टॉप भी है और साथ में ये बैंक्वेट भी प्रोवाइड, मतलब कि हमारे सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है एक ही जगह पे सारी चीज़ें। अगर हमें बर्थडे पार्टी करना हो या कोई भी किटी पार्टी या कोई भी फंक्शन अरेंज कराना हो तो यहाँ पे करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ के खाने के बारे में तो ऐसे नहीं बता सकते, पहले आप हमें बताते हैं पूरी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को हम लोग और फिर खाने के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रेस्टोरेंट है ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पर लोकेटेड है पीआरडी कॉम्प्लेक्स पे और इसमें कई सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया इसमें बैंकेट हॉल भी है, आपका रूफ टॉप भी है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी है और ये बेसिक डाइनिंग भी है। तो चलिए चलते हैं, चलिए एंटर करते हैं रेस्टोरेंट में। और जैसा कि यहाँ पे पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ के डाइनिंग में आते हैं जो कि काफ़ी प्यारा लाउंज है। आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड आगे का बैकग्राउंड, तो काफ़ी इंजॉय भी स्कूल है जिसमें बर्थडे पार्टी किटी पार्टी के लिए और यूथ साइकिल के लिए काफ़ी साइकिल तो जगह ही है। और पीछे सब कसम की चीज़ जो कि डांस होता है वो भी काफ़ी अच्छा फ्लोर है, तो काफ़ी इंजॉय करो इस अच्छे एटमोसफेयर से। और इस पहले मैं आपको ऊपर पर दिखाने का ट्राई करता हूँ, तो आओ ऊपर चलते हैं क्योंकि सेकेंड फ्लोर पर काफ़ी चीज़ें हैं, तो अट्रैक्टिव चीज़ें काफ़ी हैं। तो फोटोजेनिक बीच में भी हो सकता है, काफ़ी लोग फोटोजेनिक होते हैं। भाई ये कौन सा भी मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखो फोटोजेनिक है पूरा, फोटो फोटो है। और ये हमारा बैंकवेट है जो कि काफ़ी है एक अच्छे छोटे मोटे कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, इंगेजमेंट, शादी, बर्थडे पार्टी के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है ये, तो जो कि सिटी से थोड़ा सा बाहर साइड है, आउटसाइड में पीसफुल प्लेस है। तो ऊपर भी दिखाता हूँ, ऊपर तो मेन चीज़ है रूफ टॉप, वो बिल्कुल डिपेंडेंट होती है। तो चलिए तो रूफ टॉप तो आप देखेंगे, तो रूफ टॉप में दिख ही रहा होगा कितना प्यारा दिख रहा है। ये डे लाइट का लुक है, ये डे लाइट है, तो अभी देख सकते हो डे लाइट कितना प्यारा आ रहा है। इसके भी और टॉप पे जो कि मतलब हालांकि बहुत छोटी सीढ़ी है पर हम ट्राई करते हैं उसके लिए। खैर यहाँ से तो जो लुक आ रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है, हम लोग यहाँ पे भी नॉर्मल मस्ती कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर मैं सबसे बहुत सकते हैं। पर बेसिकली ये एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे, रेस्टोरेंट लॉज बुके बैंक्वेट सब कुछ। तो मतलब यहाँ पे अभी जैसे मैं आया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही शांति महसूस हो रही है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है। ये चीज़ें देखिए कितना अच्छा लोकेलिटी है यहाँ पे और लगभग आधा शहर यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को। और ये देखिए हम लोग इसको टॉप से दिखा रहे हैं अपने रूफ टॉप डाइनिंग को। तो
हमने 3 डिश ऑर्डर किए। अब टेस्टिंग की बारी है, देखते हैं क्या। सो फाइनली हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर आ गया है जूस का। अब देखते हैं इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी ठीक लग रहा है, वो है दोस्तों। जो बाकी जो पनीर डिश में टिक्का जो हमारा वो भी आ ही रहा जल्दी। कैसा लगा टेस्ट? काफ़ी शोर है, काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तुम बताओ। ट्राई करता हूँ क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग वो कर रहे हैं, देख सकते हो बीच की सीट खाली है। सही है, स्पाइसी नहीं है, उसी तरह एकदम है, काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत डिलीशियस है, जूसी है। मेरे को तो काफ़ी अच्छा ही है, रोज लग रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम भी टेस्ट करके बताओ। तो गाइस ये आ गए हमारे मेट्रो शॉप नूडल्स और इसकी स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे अर्बन फॉरेस्ट के मैनेजर से। तो ये है हमारे भैया का नाम क्या है? विक्रम से। तो इसके बारे में आपको बताइए कि मतलब कि आपने बताया कि यहाँ पे स्पेशल है अर्बन चौकी, तो क्या इसमें है? इसमें लाइट नूडल्स है, लाइट फेवरेट है और लाइट कैरेट्स है और लाइट सोसेज है, बाकी और ये भी मतलब मुझे इसका सामान काफ़ी ठीक लग रहा है। कई जगह होता है कि लोग सामान देते हैं पर इसमें लग रहा है कि हमें चीज़ें इसमें हैं। हाँ तो हमारे मास्टर और हाँ आप ये बता रहे थे कि जो हमने अभी विदेशी में पनीर टिक्का किया है तो उसमें क्या स्पेशल था? उसमें हमारी ग्रेवी के साथ हम काफ़ी मदद की गई है, थोड़ा सोचा था थोड़ा सा चाहिए थोड़ा सा मिली तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। खैर वैसे मैं हाथी से खाना पसंद करता हूँ, डोसा को क्योंकि भाई है तो देसी। ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपसे कि आप यहाँ पे आओ, उसको टेस्ट करें, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट है। तुम कैसे बताओ? पहले सांभर से शुरू करेंगे, मुझे सांभर काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। सांभर इसका काफ़ी अच्छा भी है इनका, जो एक एक्चुअल सांभर होता है उसी टाइप का टेस्ट है पूरा पूरा। चटनी भी आप इसकी ये नारियल की चटनी को भी देख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि क्या क्या मतलब इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे ऐसे, मतलब वो ब्लेंड भी किया गया है और ऐसे रॉ भी डाला गया है ताकि टेस्ट कोई यूनिक बना रहा है। ठीक है, तो स्टफिंग भी देखो कैमरे थोड़ा। मैं चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड इसको स्टफिंग दिखाएं इसकी, मतलब पूरी पूरी है, लोडेड है, वेजीज से है, नूडल्स से, फुल्ली लोडेड डोसा है ये, काफी है। जैसे मेरे हाथ में पूरा पूरा नूडल्स ही भरा है। तो गाइस ये था हमारा अमेरिकन चॉप से डोसा। खाने की बात तो हो गई, अब आपके फायदे की बातें करते हैं। और जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं यहाँ के मैनेजर हैं, तो भैया आप क्या, आप हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर कोई हमारी वीडियो देख के आ रहा है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है उससे या क्या होगा? तो हमारी चाइनीज कमजोर चीज़ें हैं, जैसे पंजाबी छोले भटूरे हैं या चाइनीज़ कोई भी कॉन्टिनेंटल या कोई भी डिश होता है उसमें 10% से लेके 20% कम लेते हैं। तो गाइस ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हमारे वीडियोस के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको चाइनीज़ और छोले भटूरे में 10-20% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कूपन हम लोग अपने वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे, शो करेंगे और वो कोड आप यहाँ पे आके जनरेट करके रिवील करो। तो गाइस ये थी हमारे आज का फूड टूर अर्बन फॉरेस्ट में जो कि इलाहाबाद का जायका है। तो गाइस आप विजिट करिए।
शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Give you my heart.